go. Yep. Come on. Stay with me. Stay with me. Yes. Let's go. Move. I'm here. Got you. सो गाइस देखा आपने किस तरीके से ये एक एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, जिनको ये यू नो बेंच प्रेस करते हुए इंजरी हुई। और ये वीडियो दिखाने का मेरा सिर्फ एक सिर्फ यही मतलब है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, माय ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, और जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जब भी आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो क्या चीज़ें आप ध्यान में रखें। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं किसी की गलतियाँ पॉइंट आउट करूँ या किसी को गलत साबित करूँ, बट मेरा मतलब सिर्फ यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो और एक तरीके से सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले ये जो वीडियो आपने देखा थोड़ा सा ग्राफिक कॉन्टेंट था, थोड़ा सा मैंने ब्लर करने की कोशिश करी उसे, बट ये जो यू नो एक इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ये बेसिकली रायन क्रॉली करके एक बॉडी बिल्डर हैं। ही इज़ अ 23 ईयर ओल्ड बॉडी बिल्डर फ्रॉम यूके, और यू नो ट्रेनिंग करते हुए, बेंच प्रेस करते हुए, इंक्लाइंड बेंच प्रेस करते हुए उनको ये इंजरी हुई है। एक फेमस यूट्यूबर हैं लैरी व्हील्स एंड पावर लिफ्टर एज वेल, स्ट्रॉन्ग मैन एज वेल, तो उनके साथ ट्रेन करते हुए उनको इंजरी हुई। और यस्टरडे की बात है, राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक ही इज़ प्रॉब्ली गोइंग थ्रू सर्जरी, और बहुत ही डिवेस्टेटिंग सी चीज़ है, किसी के साथ ना हो। बट एनीवे, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जो गलत हुई हो, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार देखिए, जो भी ट्रेनिंग कर रहा था या जो भी साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, दे ऑल आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि आप एक्सीडेंट से बच नहीं सकते, और एक्सीडेंट्स में होने में सिर्फ एक सेकंड लगता है, ये कुछ चीज़ें लीड करती है वहाँ तक, तब ये चीज़ें एक्सीडेंट जैसी चीज़ें होती हैं और आपकी इंजरी हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि बेंच प्रेस करते हुए जब स्ट्रेच पार्ट में यानी कि ईसेंट्रिक पार्ट में लोड को लेके गए, तो उनका पेक्टोरियल मसल, स्पेसिफिकली पेक्टोरियल इज मेजर, उनका जो टेंडन है जो आपका ह्यूमरस बोन में अटैच्ड होता है, वो यहाँ से रप्चर होके टूट के सीधा सीधा यहाँ पे चिपक गया, राइट? पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, मतलब माइनर टेयर भी नहीं, पूरा का पूरा टूट के। तो ये बहुत ही सीरियस इंजरी है, इसको यू नो सर्जरी के थ्रू फिक्स किया जाता है, और कोई गारंटी नहीं है कि जैसा आपका पेक्टोरियल मसल पहले काम करता था वैसे ही करेगा, या फिर उसका जो शेप है, यू नो ही इज़ बीइंग अ बॉडी बिल्डर रायन क्रॉली, कि यू नो बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट द शेप ऑफ द मसल, मसल बेलीज का क्या शेप है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये कहना कि वैसा का वैसा ही क्या बनेगा, रिपेयर होगा, रिहैब होगा कि नहीं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या गलतियाँ हुई हो सकती हैं, वॉट वेंट रॉन्ग। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मैंने पूरा वीडियो देखा गाइज, वो सिर्फ वन मिनट का जो क्लिप है, वन एंड हाफ मिनट का, उससे पहले एक पूरा का पूरा वीडियो लोड हुआ है लैरी के ही चैनल में। तो सबसे पहले तो मैंने एक जो मुझे ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था, वो है स्पॉटिंग ऑन द प्रीवियस सेट। मतलब जिस तरीके से स्पॉट किया जा रहा था वो थोड़ा सा यू नो फेवर में नहीं गया रायन के, मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चार प्लेट्स हैं, चार प्लेट्स बाई टू, और बारबेल का वेट, टोटल वेट 405 lbs का टोटल वेट लगा हुआ है जो एक प्रीवियस सेट में लगाया था, यानी कि जिसमें इंजरी हुई उससे पहले वाला सेट। इंजरी जो हुई वो प्रॉब्ली 1 rep max वाला वेट था, यानी कि एक रेपिटेशन जिसमें मैक्सिमम लोड ले रहे थे, उससे पहले 405 पाउंड की उन्होंने लिफ्ट करी। अब उस 405 के पाउंड में उन्होंने, आपने देखेंगे कि उसने 4-5 रेपिटेशन लगाए रायन ने, लेकिन गलती यहाँ पे क्या हुई जो मुझे लगता है कि कॉन्सेंट्रिक फेलियर जब पहुँचा वो, यानी कि जब स्ट्रगल हो गया लास्ट रेपिटेशन में, जब वेट नहीं उठ रहा है, तो उसके बाद बार जो है बारबेल वो 3-5 सेकंड के लिए अटक गया। अब यहाँ पे एज अ स्पॉटर आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि इतने हैवी लोड में, ये कोई हम यू नो 200 पाउंड का वेट नहीं लगा रहे जिसमें 12-15 रेपिटेशन लगा रहे हैं, लास्ट के रेपिटेशन में हम अटक गए तो थोड़ा स्ट्रगल करने दिया, नहीं, दिस इज़ अ वेरी हैवी वेट। मतलब स्ट्रगल करते हुए उन्होंने मेरे ख्याल से 4-5 रेपिटेशन 6 रेपिटेशन के लिए गए थे वो रायन, और बार पूरा 3-5 सेकंड तक अटक गया। मतलब 1 सेकंड में ये आपके पूरे के पूरे पैक मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, और ये स्ट्रगल जो है ना, ये फटीग का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका ये वाला सेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब इसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जो पैक मसल्स है वो बहुत ज़्यादा फटीग हो गई उस पर्टिकुलर उसमें, और हो सकता है कि वो इतना ओवर स्ट्रेस हो गई कि नेक्स्ट जो फाइनल सेट जो उन्होंने 1 rep max के लिए लगाया उसमें बहुत बड़ी इंजरी हो गई। तो मतलब स्पॉटिंग की मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े होके, क्यों स्ट्रगल करवा रहे हो जब आपको पता है कि दिस इज़ 405, और
आपको नहीं पता कि दैट गाय वो कब से इस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपके साथ वो पहली बार काम कर रहे हैं और आप इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो थोड़ा सा ना फेवर में नहीं जाती हैं। और आई वुड नेवर डू दिस के 405 पाउंड का वेट लगा हुआ है और मैं स्ट्रगल करवाऊँ, एब्सोल्युटली नो। वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है फॉर नेक्स्ट सेट्स। और हालांकि वही सेट लगाना था तब तक तो ठीक था, बट उसके बाद जब आप 1 रैप मैक्स के लिए जा रहे हो, नॉट अ गुड आइडिया। सो मेक श्योर, अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हो, हैवी जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। स्पॉटर को हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बार एक बार स्ट्रक हुआ, देन लिफ्ट एंड रैक द बार, खत्म। उसके बाद दूसरी जो मुझे मिस्टेक यहाँ पे नजर आई, जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होना चाहिए था, वो ये है कि डोंट टेस्ट योर 1 RM लाइक दिस। आपका 1 रैप मैक्स ऐसे टेस्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप स्ट्रेट आफ्टर फटीग, आप पहले सेट में आपने पूरा फटीग कर दिया अपने मसल को 405 पाउंड में, उसके बाद आप 1 रैप मैक्स टेस्ट कर रहे हो 500 पाउंड्स का, तो ये कैसे चलेगा? 1 रैप मैक्स जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपके प्रोटोकॉल ही अलग होता है, यू नो, प्रोसेस ऑफ वीक्स, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वीक्स। मतलब कि आप कम से कम 3, 5, 8 हफ्तों तक एक वेट को लीड करते हो, राइट? ये प्रॉपर एक पावर लिफ्टिंग प्रोटोकॉल होता है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इसका जिस्ट आसान भाषा में ये बता दूं कि पूरा का पूरा जो है ना 3, 5, 6, 8 हफ्ते का पूरा प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आप धीरे धीरे लीड करते हो 1 रैप मैक्स पे, और उस दिन जाके आप 1 रैप मैक्स टेस्ट करते हो। और जिस दिन आप 1 रैप मैक्स टेस्ट करते हो, उस दिन कभी भी अपने मसल को प्री फटीग इतना ज्यादा नहीं करते हो कि आपका 1 रैप मैक्स में स्ट्रगल हो जाए, कभी भी नहीं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, पावर लिफ्टर जितने भी होंगे मेरे को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद ये है कि पावर लिफ्टर प्रोटोकॉल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पावर लिफ्टर्स का प्रोटोकॉल एक बॉडी बिल्डिंग प्रोटोकॉल से डिफरेंट होता है। यस, स्ट्रांगमैन का प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा पावर लिफ्टर का, बॉडी बिल्डर का, लेकिन प्रोटोकॉल जब आप फॉलो कर रहे हो पावर लिफ्टर का, तो पूरी तरीके से आपको करना होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि उसी दिन में आपको सारी चीज़ें नहीं करनी, मतलब एक टाइम एक तरीका होता है 1 रैप मैक्स को टेस्ट करने का। आपका मसल तैयार नहीं है और आप उसमें 1 रैप मैक्स टेस्ट करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इंजरी होने के। तो ये ध्यान दीजिए गाइस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, बट आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो शायद आप लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन मैं यही आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ध्यान रखो, ऐसा कभी भी नहीं करना है जैसा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद तीसरी जो मुझे लगता है कि गलती यहाँ पे क्या हो गई कि वाई ऑन इंक्लाइन बेंच। मतलब यस, यू नो, जब ऐसे इस तरीके के यंग लोग मिलते हैं, यू नो, स्ट्रांग लोग मिलते हैं, तो क्रेजी हरकतें करते हैं, मतलब सभी लोग करते हैं, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप ये क्रेजी चीज़ें कर रहे होते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सेंस कि मतलब आप अपनी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आप क्या ना इतना ज़्यादा पंप ना हो जाएं कि आप ऐसी चीज़ें करें जो रिस्क ज़्यादा जिसमें फैक्टर जिसमें बढ़ जाता है। इन द एंड यू प्लेइंग विद द वेट्स, और वेट का तो काम ही है आपको डिस्ट्रॉय करना, आपके मसल को डिस्ट्रॉय करना। वो आप कितना लिमिट में डिस्ट्रॉय करवा रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है? हम जब जिम जाते हैं तो मसल को तोड़ने ही जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेंडन से ही तोड़ दें उसे, वैसा भी नहीं करना है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इंक्लाइन बेंच की, तो सबसे पहले तो 1 सेकेंड लगता है स्नैप होने में, 1 सेकेंड। और जब आप एक इंक्लाइन बेंच में होते हो तो डेफिनेटली फ्लैट बेंच और इंक्लाइन बेंच में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, आपका शोल्डर का जो एंगल है वो भी चेंज होता है। इंक्लाइन बेंच में आपका ना चाहते हुए भी शोल्डर एक डिफरेंट एंगल में होता है, और अगर उसमें हमारा एल्बो फ्लेयर कर गया तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अब जो मैंने नोटिस किया, मैं वही आपको बता रहा हूं कि एल्बो फ्लेयर जब भी होगा तो आपका पैक आइसोलेट हो जाता है। अब एल्बो फ्लेयर तब तक तो ठीक है जब वेट लाइट है और आप एक बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी कि हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल हाइपरट्रॉफी के लिए जा रहे हो। एल्बो फ्लेयर आपने हल्का दिया, आपने मसल को स्ट्रेच किया अपने पेक्टोरिस मेजर माइनर को, और उसके बाद उसको ट्रेन किया। बट व्हेन इट कम्स टू योर 1 रेपिटेशन मैक्स, और मतलब इतना हैवी वेट जब आप कर रहे हो ट्राई, तो ये एल्बो फ्लेयर नहीं चलता है वहां पे, राइट? चाहे आप इंक्लाइन कर रहे हो चाहे आप फ्लैट कर रहे हो, और इंक्लाइन में तो आपका एल्बो फ्लेयर थोड़ा सा और बढ़ जाता है बिकॉज आपका एंगल ही इस तरीके का है। सो ध्यान आपने यहाँ पे ये देना है कि जब आप इस तरीके का हैवी लोड ले रहे हैं तो ऑलवेज टेक द लोड ऑन योर लैट्स। अब वो कैसे होता है? बाय टकिंग योर एल्बो इन। आप जब एल्बो को अंदर रखते हो, ये सारे के सारे पावर लिफ्टर्स समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, जब आप एल्बो को अंदर टक करते हो तो ऑलवेज आपका लोड जो है वो पूरा का पूरा लैट में आने लगता है, आपके डेल्ट्स लोड लेने लगते हैं, पैक लोड लेने लगते हैं, ट्राइसेप लोड लेने लगता है, तो लोड डिवाइड हो जाता है।
जैसे ही आप एल्बो को फ्लेयर करते हो, ये फ्लेयर जैसे ही होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये पेक्टोरियल मसल है वो आइसोलेट होने लगता है, सारा का सारा लोड इसमें आने लगता है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फॉर्म, बॉडी बिल्डर फॉर्म ने थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दी। मतलब आप जब पावर लिफ्टिंग वेट लगा रहे हैं वन रैप मैक्स, तो बॉडी बिल्डर फॉर्म वहाँ पे नहीं चलता है, राइट? बॉडी बिल्डर फॉर्म को आपने गिवअप करना पड़ेगा जो आप हाइपरट्रॉफी के लिए करते हैं, एल्बो फ्लेयर करना, हल्का सा थोड़ा सा एंगल्स चेंज करना, शोल्डर को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना, पावर लिफ्टर स्टाइल में नहीं चलता। हैवी लोड आती है, यू हैव टू फॉलो द पावर लिफ्टिंग प्रोटोकॉल। टक इन करना है, लोड पूरा का पूरा लैट में लेना है, बहुत ही ध्यान से, आपके ग्लूट्स, आपके फीट, सब चीज मैटर करती हैं, बेल्ट, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सो ऑलवेज 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 विद कॉशन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी बिल्डर फॉर्म नहीं चलेगी वन रैप मैक्स या हैवी लोड करते हुए। एनीथिंग बिलो 5 repetition आपका ये फॉर्म नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। तो गाइज, एज अ कंक्लूजन, मैं यहाँ पे इस पूरी चीज का सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखो, अपनी ट्रेनिंग को आप बहुत ही सीरियसली, बहुत ही समझदारी से करिए। और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो वीडियोस आते हैं ना, एक तरीके से बिल्कुल डरा देते हैं हमें कि यार इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, इतना डिवेस्टेटिंग सिचुएशन हो जाती है कि आपका पूरा करियर दाव पे लग जाता है और हेल्थ दाव पे लग जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कभी भी ये सारी चीज़ों को जब भी आप टेस्ट कर रहे हैं वन रैप मैक्स या बहुत ही हैवी लोड जा रहे हैं, तो ऑलवेज फॉलो अप प्रॉपर प्रोटोकॉल। मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वन रैप मैक्स के ऊपर पूरा इसका तरीका क्या होता है, कैसे टेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर मैंने इंटरनेट पे डाल दी तो सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है, ग्रैस्प करने का तरीका, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, और ये बहुत ही इंडिविजुअल और बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ होती है। और मैं नहीं चाहता कि कोई वो पर्टिकुलर वीडियो देख के अपने आप को इंजर कर ले, बिकॉज वन रैप मैक्स टेस्ट करना इट्स अ ब्लडी डेंजरस थिंग। तो मैंने बात बहुत बार बोला, इसीलिए अभी तक मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। और मैं डर लगता है मुझे कि ये मैं वीडियो बनाऊंगा और कोई कैसे समझेगा उसको और कैसे अप्लाई करेगा और क्या कर बैठेगा। सो, अगर कोई पर्सनली ट्रेन करने आ रहा है वन ऑन वन सेशन, उसके साथ मैं हफ्तों तक ट्रेन कर रहा हूँ, वो बात अलग है। बट एक वीडियो में ये सारी इतनी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन देना और उसको सही तरीके से सब लोग एग्जीक्यूट करेंगे ये एक्सपेक्ट करना, भाई मुझे तो डर लगता है। सो गाइस, दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू रायन क्रॉली। Didn't know him before, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, किस तरीके की बॉडी बिल्डर है, क्या अचीवमेंट्स हैं उनके, बट डेफिनेटली एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई है, बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई है उनके साथ। और हम सभी, चाहे हम इंडिया से हैं, चाहे हम यू नो US से हों, ऑस्ट्रेलिया से हों, UK से हो, आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। और उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल रहा हूँ जो उनका GoFundMe लिंक है, उनके सर्जरी के लिए वो फंड रेज कर रहे हैं, बिकॉज उनका इंश्योरेंस जो है वो UK बेस्ड इंश्योरेंस है, वो कवर नहीं कर रहा है US में। तो जो भी, जिससे भी हो पाए थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो डोनेट, तो उनको हेल्प करने के लिए आप ये कर सकते हो। और इस पूरे वीडियो का मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि हम किसी की कमियाँ निकालें, किसी को गलत साबित करें, सिर्फ यही पर्पस है कि आप लोग समझदारी से जो भी चीज़ें हैं सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है मेरा कि आप लोगों को कभी भी तकलीफ ना हो और आप फिटनेस को, हेल्थ को एक सही लेवल पे लेके आ पाए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।